हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। व्हेल रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। व्हेल रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते 500 वैकेंसीज लेके, इस बार की ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है व्हेल की तरफ से। व्हेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अपडेट निकल कर आया है, जिसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। तो इस बार की कैंडिडेट जो एप्लीकेशन करना चाहते, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, यहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, इस बार की जितनी भी कैंडिडेट है उनके लिए नो फीस नो एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो 23rd of March 2024 से पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, ध्यान में रखिएगा, एक एक करके एप्लीकेशन करिएगा। एंड यहाँ पर एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करने के लिए यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारे अपडेट भी यहाँ पे निकल के आया है। जो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, हर एक जगहों में हर एक स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें 517 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है इस बार। ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगहों से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए, और हर एक जो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखा गया है सीट। जैसे अनरिजर्व के लिए 210 वैकेंसी, और ओबीसी के लिए 139, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, एससी के लिए 77, एसटी के लिए 39 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एंड इस बार की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रखा गया है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, वो है बीई, बीटेक, एमई, एमटेक। बीई, बीटेक और एमई, एमटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे जानकारी भी दिया गया है, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको 28 जो है बीई, बीटेक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं मैक्सिमम। एंड अगर आप लोग एमई, एमटेक है, तो उनके लिए आपको 30 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे रखा गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपको एज रिडक्शन मिल जाएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बीई, बीटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। एंड सैलरी जो है आपको देख सकते हो, 30,000 पर मंथ फॉर ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भेल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 13th March 2024। उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, वो है 10th पास की सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ
MTech BTech क्वालिफाइड कैंडिडेट की सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताऊंगा, MTech BTech इस तरह की क्वालिफिकेशन की कैंडिडेट के लिए भी ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो वहाँ से जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के तरीका भी आप लोगों को मैं बताऊँगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए आपको मैं बताऊँगा पूरा भी जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन करने के डिटेल आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा जिसपे आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है 150 रुपी, एंड SC ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो एंड 150 रुपीज़ आपको ऑनलाइन में जाके आपको भेजना होगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस को फिलअप करना होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।